अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी अदालती लड़ाई जारी है। अब यह अदालती लड़ाई राजधानी दिल्ली की पहचान माने जाने वाले कुतुब मीनार को लेकर भी छिड़ गई है। दरअसल दिल्ली के साकेत कोर्ट में मध्यकालीन समय में बनी इस ऐतिहासिक धरोहर में पूजा अर्चना के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार में हिंदू और जैन देवी देवताओं की फिर से स्थापना किए जाने और फिर से पूजा पाठ किए जाने का रास्ता अदालत साफ करे। याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि मीनार निर्माण से पहले वहां मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा याचिकाकर्ता चाहते हैं कि केंद्र सरकार मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाए और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट को दी जाए। मांग की गई है कि कई ऐसे हिंदू देवता हैं जिनके मंदिर वहां थे, वहीं यही नहीं जैन आस्था से जुड़े मंदिर भी थे। कोर्ट से पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की अनुमति की मांग की गई है। ऐसा दावा किया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़कर मीनार का निर्माण कराया था। यही इतिहासकारों का मानना है कि लाल कोट के अवशेषों के ऊपर मीनार का निर्माण कराया गया था। मेहरौली स्थित कुतुब मीनार को वैश्विक धरोहर का दर्जा प्राप्त है। 72.5 मीटर ऊंचाई वाले ये मीनार ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। कुल 379 सीढ़ियों का निर्माण इसमें किया गया है। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। बाद में इल्तुतमिश ने बाकी का निर्माण पूरा करवाया था। 1220 में मीनार का पूरा काम हुआ था। कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में किया था। दावा किया जाता है कि मस्जिद हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर खड़ी कर बनाई गई है। कॉम्प्लेक्स में लौह स्तंभ भी है जो 4वीं शताब्दी का है। हालांकि बाद में मीनार के आसपास तुगलक और लोदी वंश के बादशाहों ने भी कई निर्माण करवाए थे। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।